हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रैंड्स एंड फोर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं अब आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो एक्सरसाइज भी इसमें लगभग आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आज 7 क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या है आपका। 7 क्वेश्चन आपका क्या है वो चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है राइट 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. Then answer will be answer 7. First point, lactobacillus bacterium is useful in formation of curd. And second answer, microorganisms are also used in the making of breads, pastries and cakes. And third point, आपको इसमें 10 lines लिखनी है, write it 10 lines. तो 10 lines आपको लिखना है useful of microorganisms के अंदर. Then third line, they are also used in cleaning up of the environment and fourth point, bacteria are also used in agriculture. Agriculture to इसमें आगे लिखना है आपको agriculture to increase soil fertility by fixing nitrogen and fifth
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, लाइक ईस्ट आर यूज्ड, आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. ऑफ एल्कोहल एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. तो इसमें आपने देखा कि 5 पॉइंट इसके हो गए एंड नेक्स्ट 5 पॉइंट आपको दिखने और हैं. तो नेक्स्ट 5 पॉइंट आपके देखे क्या है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ. तो इसके अंदर बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. एंड सेकेंड पॉइंट, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम होता है उसका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और यूज होता है ब्रेड में, मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में. एंड इन थर्ड पॉइंट, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए. एंड फोर्थ पॉइंट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन. बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, किस लिए, इंक्रीज कराने के लिए सॉइल फर्टिलिटी का, बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन. वो किस तरह से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, नाइट्रोजन को फिक्स करके. एंड देन फिफ्थ पॉइंट है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए ईस्ट की ज़रूरत होती है. ईस्ट भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन आपका यहाँ पर यूजफुल ऑफ ईस्ट का यहाँ पर पॉइंट में दिया गया. एंड नेक्स्ट 6 पॉइंट, ये आपके 5 पॉइंट हो गए. एंड देन 6 पॉइंट क्या है, चलते हैं आपको 10 लाइन्स लिखनी है. तो अभी आपका और है 6 पॉइंट. देखिए 6 पॉइंट में क्या है, तो 6 पॉइंट, दे आर यूज्ड, they are used to make vaccines. And 7.7, they are used to make antibodies, antibiotics. And 8th point, some microorganisms used to make preservatives and 9th, microorganisms Thank you.
यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक इज टू प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फिर दे आर यूज टू मेक वैक्सीन, दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेटिव, एंड देन आप इसके बाद देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक मैन्योर्स, एंड टेंथ के अंदर है आपका इसमें सर्टेन बैक्टीरिया certain bacteria are used in the biological treatment of सीवेज। तो जस्ट 10 लाइन्स और आपकी हो गई, ये 10 लाइन्स ये तुम्हारी शॉर्ट नोट हो गया एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पे। देन बेटा फिफ्थ पॉइंट के बाद देखें आप 6 पॉइंट, इसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स मैंने दे दिए, एंड देन आपका 10 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8, दे आर यूज टू मेक वैक्सीन्स, इसका वैक्सीन में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स, इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एंटीबायोटिक्स के अंदर भी देखा जाता है। एंड एट पॉइंट सम इसमें आप देंगे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्वेटिव बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यूज़ कराया जाता है या इसका यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक मैन्योर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ मैन्योर्स को बनाने में भी होता है। एंड लास्ट इन द 10th पॉइंट सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज, ये स्वेज के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी आपका कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट होता है। देन 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके 10 लाइन्स हो गए, एक तरीके से शॉर्ट नोट हो गया ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड देन 8th क्वेश्चन एंड इन दिस एक्सरसाइज व्हाट इज 8th क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 देन रिप्लाई वी कैन रिप्लाई देन व्हाट क्वेश्चन 8 वॉट मीन्स ऑफ क्वेश्चन 8 या वॉट आपका जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 में वो देखते हैं। देन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, write short paragraph on the harmful effects of microorganisms. And then
आप इसमें बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस तरीके से आप देखते हैं, तो इसका जवाब है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, सच डिजीजेस पैथोहॉर्न्स भी हो सकता है। मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि क्या है, यानी मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस, मैनी मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलेसिस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड देन फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by microorganisms. Some microorganisms, spoil. इसमें आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि some microorganisms spoil food, clothing and leather. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causes diseases in human being, plant, animals. Such diseases causing microorganism are called, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, pathogens. तो like 8th question के अंदर आपने देखा कि write short paragraph on harmful effect. आपको harmful effect इसमें लिखना था, write short paragraph on the harmful effect of microorganisms. Then many communicable diseases such as cholera, common cold and many communicable diseases such as cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis are caused by microorganisms. ये सब यानी communicable जो आपके हैं वो diseases हैं, communicable diseases यानी कि बहुत सारी जगह पे ये देखे जाते हैं communicable diseases. And food poisoning is also caused by microorganisms. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें आप देखते हैं, तो इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि microorganisms जो है are caused by, यानी human being, plant and animal. So diseases causing microorganisms are called pathogens. तो इस तरीके से आप जो है ये जान सकते हैं. तो यानी हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आप मैनी वेज में देखते हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी. तो इस तरीके से कुछ मैंने डिजीज़ के नाम लिखे हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे कॉज्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण. एंड देन फूड पॉइजनिंग भी एक बहुत ही डेंजरस पोजिशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो इंसिडेंट होती है. एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, वही स्पॉइल फूड का जस्ट लाइक आपका पॉइजनिंग हो जाता है.
क्लॉथ को भी ये लेदर और क्लॉथ को भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस पर अपना इफेक्ट डालता है, देन क्लॉथ जो है आपके ख़राब हो जाते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, एंड देन क्वेश्चन नंबर आपका देन क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। ओके।